जी मैं जैसी आ चुकी हूँ अपने न्यू YouTube वीडियो के साथ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप लोगों को जमुहार मेडिकल कॉलेज का सैर कराने वाली हूँ और आज मेरा रजिस्ट्रेशन होना है, मुझे मेडिकल करना है तो मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही हूँ। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है जमुहार मेडिकल कॉलेज में, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी वहाँ वो कॉलेज वो कैसा है। बहुत खूबसूरत कॉलेज है, आप लोग मेरे साथ चलिए और देखिए कि कैसा है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और रास्ते में हैं और ये नज़ारा है, आप लोग नज़ारा देखिए और तब तक हम लोग चलते हैं, तब तक आप लोग नज़ारे का एंजॉय करिए और देखिए। और अब हम लोग जमुहार मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर कर चुके हैं और ये अभी इधर इस साइड में शायद लॉ का डिपार्टमेंट है और डी फार्मा का डिपार्टमेंट है ये, तो आप लोग देख रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ का गार्डनिंग बहुत अच्छा किया हुआ है और बहुत खूबसूरत है ये जो नारायणा मेडिकल कॉलेज है वो अपने एक अलग ही खूबसूरती बनाती है अपनी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और जो स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं वो बताते हैं यहाँ की क्वालिटी को। और मुझे तो इसमें एडमिशन लेना है, पता ना एडमिशन हो या ना हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी एडमिशन इसमें हो जाए क्योंकि मुझे इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकती। तो आइए आप लोगों को मैं और आगे आगे दिखाती हूँ कि आगे आगे क्या क्या है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा है, आप लोग घर पे बैठे बैठे नारायणा मेडिकल कॉलेज का को देख सकते हैं मेरे इस चैनल की वजह से, मेरे इस वीडियो की वजह से। तो आप लोग अपने घर से ही इस नारायणा मेडिकल कॉलेज का सफ़र कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए नारायणा मेडिकल कॉलेज। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये गर्ल्स हॉस्टल है और मैंने पहले सोचा था कि मैं हॉस्टल में रहूं, लेकिन मुझे अच्छा सही नहीं लगा क्योंकि मेरा रूम जो है, मतलब जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, वो नारायणा मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है, दूर है 10 और 15 मिनट का रास्ता है। तो मैंने सोचा मैं रोज़ अप डाउन कर सकती हूँ। मम्मा ने बोला कि हॉस्टल ले लो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हॉस्टल लेके पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं ले लेती हूँ वहीं से, रूम से ही रोज़ अप डाउन करूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग ये देखिए, ये नारायणा मेडिकल कॉलेज का गर्ल हॉस्टल है जो कि बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से वो रास्ता स्टार्ट होता है जिस तरफ मुझे जाना था, तो मैं अब अपने रास्ते की तरफ वो ऑफिस की तरफ जा रही थी क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन करवाने गई थी। तो मेरा ऑफिस जो था, मतलब जो जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन होना था वो इधर ही था। तो मैं और ये जो गेट दिख रहा है वो हॉस्टल का गेट है और अभी हम जहाँ जा ये वो ऑफिस है और इधर बॉयज़ हॉस्टल है, ये जो सामने दिख रहा है वो बॉयज़ हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल के ही पास हमारा ऑफिस था। तो मैं एक बार गई थी और तो मैं वहाँ पर ब्लॉग बनाना भूल गई, उस टाइम शायद मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो यहाँ और अब मैं यहाँ से ऑफिस से बाहर निकल गई हूँ। ऑफिस में कैमरा अलाउ नहीं था, मतलब सर बोले कि कैमरा बंद कर लो, तो मैंने कैमरा बंद कर लिया, मैं वीडियो नहीं अंदर शूट कर पाई, इसके लिए आप लोगों को सो सॉरी। बट मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी। बाहर का नज़ारा बहुत बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। ये गर्ल्स हॉस्टल था इधर और इधर बॉयज़ हॉस्टल था, ये सामने सामने ही है और बॉयज़ हॉस्टल में से लड़के लोग बहुत चिल्ला रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। गए हम लोग तो वहाँ पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर मेरा काम हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने कैमरा नहीं वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं। तो इसके लिए सो सॉरी, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा जो भी हो। लेकिन अब मैं बाहर का नज़ारा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग बाहर के नज़ारे का एंजॉय करिए और देखिए, मेरे साथ चलते रहिए और देखते रहिए बाहर का नज़ारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हरी भरी खेत है, हरी भरी खेत खलिहान है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शायद तोरी का सरसों का खेती किया हुआ है और कॉलेज बगल में खेत बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, लगता है ये। अगर आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको आप लोगों को मेडिकल करना है तो आप लोग इसी कॉलेज में आइए क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है। सिर्फ फैसिलिटी से ही नहीं, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। यहाँ के स्टूडेंट बताते हैं इसके बारे में, उनके लफ्ज़ों से हम लोग सुनते हैं कि यहाँ की क्वालिटी क्या है।
क्या चीज़ है जमुहार, और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे जाके। और मेरा भगवान करे कि मेरी एडमिशन हो जाए, आप लोग भी दुआ करें कि इसमें मेरी एडमिशन हो जाए ताकि मैं इसमें पढ़ सकूँ। मुझे बहुत इच्छा है कि मैं इसमें पढ़ूँ। और आप लोग चलते रहिए, मैं आप लोगों को सब कुछ। इधर से आगे आने पे यहाँ पे हॉस्टल भी था और नीचे में कैंटीन था जहाँ पे बहुत सारे दुकान थे और बहुत कुछ मिल रहा था। तो हम लोग अपने में भैया लोग बात कर रहे थे कि ये कैंटीन जो है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, यहाँ पे जो बाहरी लोग आए हैं वो लोग नहीं खा सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं खा सकते हैं, जाके ट्राई करिए, ज़रूर मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, या फिर स्टूडेंट को ही मिलता हो, ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन ये गए नहीं ट्राई करने और कोई नहीं गया और हम भी नहीं गए। मतलब मैंने भी वैसे ही मजाक में किया था क्योंकि कुछ खाना था नहीं, वैसे हम लोगों को खाने का मन नहीं था तो हमने सिर्फ मजाक किया था। और अब हम लोग यहाँ से, ये जो है ये पैरामेडिकल वाला है, पैरामेडिकल का इसमें स्टडी होता है, पैरामेडिकल का कॉलेज था उस साइड। और अब हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और इस साइड हॉस्पिटल था और इधर जो था ये जो दिख रहा है वो ये है पैरामेडिकल का कॉलेज है। और यहाँ से गेट है जिससे हम लोग को बाहर निकलना है। एंटर गेट हम लोग उधर से किए थे और बाहर अब हम लोग इधर से निकल रहे हैं। तो अभी बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके बाहर से आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा लगता है। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और बाहर से ये ही नज़ारा है। मतलब यहाँ इधर से तो अच्छा नहीं दिख रहा है उतना क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, दुकान वुकान बहुत है उस साइड से, इस साइड से हम लोग एंटर। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर और घर जाकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फैमिली, तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर और मेरा जो मेडिकल जो कॉलेज का काम था वो हो गया है और अभी घर आ गई हूँ। और अपने वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए सौरभ जोशी और फ्लाइंग विट जैसे बड़े ब्लॉगर को, जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं वैसे थोड़ा बहुत प्यार हम लोग को भी, थोड़ा बहुत प्यार सभी प्यार हम लोग को भी दिखा दीजिए। और हमारी वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप लोग थोड़ा बहुत भी कर दीजिए उनको, उनको जितना करते हैं उससे आधा से आधा भी कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। और उनके जैसे हम लोग भी सपोर्ट करिए, हम लोग को भी वीडियो को लाइक करिए, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। ओके,